नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल द मास्टर कोचिंग में। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 8th पार्ट एक परिमेय संख्याओं का अभ्यास वंशी। तो अभ्यास वंशी का पहला प्रश्न है कि हल कीजिए। उसका पहला प्रश्न है कि 2/3 - 5/3, तो इसको हम हल करते हैं। यहाँ पर हमको घटाना है। इसका हर समान है 3 और 3, तो इसको लिख लेते हैं 3 लिखेंगे 2 - 5। तो जब देखिए, जब 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3, और लगा देंगे माइनस, क्योंकि 5 बड़ा है 2 से और इसका चिन्ह है माइनस, बटे में लिख देंगे 3। अब इसको सरलतम रूप में लिख लेते हैं, 3 को 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, और यहाँ पर भी, तो इसका आंसर जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और 1/1, तो -1/1 को हम लिख लेते हैं -1, ये आपका आंसर आ जाएगा। 2 को हल करते हैं, दिया 2/3 - -5/3, इसको भी हल करते हैं, लिखेंगे 2/3, माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस 5/3। इन दोनों का हर समान है तो लिख लेते हैं 3, और ऊपर लिख लेंगे 2 + 5, आ जाएगा 7/3, आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 है -2/3 - -5/3, तो इसका हर समान है तो लिखेंगे 3 - 2 - -5, माइनस और माइनस का गुणा होके हो जाएगा यहाँ पर प्लस, प्लस हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस और माइनस का गुणा होके हो जाएगा माइनस, तो 5 - 2 आ जाएगा 3, और चिन्ह लगाएंगे बड़े वाले का, बड़ा 5 है और इसका चिन्ह है प्लस, और नीचे लिख देंगे 3, 3 को जब 3 से भाग देंगे आएगा 1, तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न 4। प्रश्न 4 है -2/3 - 5/3, तो इसको भी हल करते हैं, लिखेंगे 3, इसका हर समान है -2 - 5, माइनस और माइनस का गुणा होकर बन जाएगा प्लस, तो 5 + 2 आएगा 7, और यहाँ चिन्ह लगा देंगे माइनस का, क्योंकि इसका भी चिन्ह माइनस है, इसका भी चिन्ह माइनस है, नीचे लिख देंगे 3, तो -7/3 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 2, संख्या रेखा की सहायता से हल कीजिए। इसमें हमको संख्या रेखा की सहायता से हल करना है। प्रश्न 2 का पहला है 3/7 - 8/7, तो पहले हम संख्या रेखा पर 0 से 3/7 को प्रदर्शित कर लेते हैं, तो 3/7 यहाँ पर है तो इसको प्रदर्शित करेंगे, 3/7 यहाँ पर है। अब हमको जाना है माइनस, मतलब लेफ्ट की ओर कितना 8 अंक जाना है, क्योंकि यहाँ पर 8 लिखा, तो यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यहाँ पर 8 आया है -5/7 पर, तो यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे, यहाँ पर हमने एक निशान लगा लिया, तो हमारा फाइनल आंसर आया -5/7, तो यहाँ लिख देंगे -5/7, ही हमारा आंसर आया। तो हमने संख्या रेखा की सहायता से हल कर लिया। अब 0 से -5/7 की ओर नीचे से एक निशान लगा देंगे ऐसे करके, और आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं कि -8/7 की ओर विस्थापन, की ओर विस्थापन, विस्थापन ऐसे यहाँ लिख सकते हैं कि 3/7 की ओर विस्थापन, और यहाँ पर लिख सकते हैं कि -5/7 की ओर विस्थापन। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न 2 का दूसरा। प्रश्न 2 का दूसरा -4/6 - -3/4, तो इसका लसा लेके इसके हर को समान कर लेंगे। तो पहले लिखेंगे -4/6 - -3/4, 6 और 4 का लसा लेंगे तो लसा जाएगा 12, 12 आ जाएगा लसा, 6 - 4/6 को 12 बनाने के लिए हमको इसमें गुणा करना पड़ेगा इसके हर में 2 का, यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो ऊपर भी गुणा करेंगे 2 का, तो -4 का गुणा करेंगे 2 से तो आ जाएगा -8, 6 दुना हो जाएगा 12, यहाँ पर माइनस के चिन्ह तो माइनस लगाएंगे, और 4 में गुणा करेंगे 3 का तब हो जाएगा 12, और ऊपर भी 3 का गुणा कर लेंगे, 3 3 हो जाएगा 9, और 4 3 हो जाएगा 12 12। तो अब संख्या रेखा खींचते हैं एक, तो हमने संख्या रेखा खींच लिया है। अब हम पहले जाएंगे -8/12 पे, 0 से जाएंगे -8/12 पर, तो 0 से एक निशान लगाएंगे -8/12 की ओर, फिर दिया माइनस तो मतलब जाएंगे लेफ्ट साइड, दिया 9/12, तो 9 अंक दिया है तो यहाँ से 9 अंक गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 17 पर आ रहा है, तो -8/12 से एक निशान लगाएंगे, जाएगा वो -17/12 की ओर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा -17/12। यहाँ से 0 से 1 निशान लगा लेंगे ऐसे करके, जो जाएगा -17/12 की ओर, जैसे कि हमने प्रश्न 1 में किया था। चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला प्रश्न है -15/13 - -4/26 = यहाँ पर रिक्त स्थान है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं -15/13 - -4/26, 13 और 26 का लॉस लेंगे, लॉस आएगा 26,
यहाँ पर इसका हर पहले से ही 26 बना है, बस हमको 13 को 26 बनाना है। 13 को 26 बनाने के लिए हम इसमें 2 का गुणा करेंगे, नीचे गुणा करेंगे 2 से तो ऊपर भी गुणा कर लेंगे। -15 को गुणा करेंगे 2 से तो आ जाएगा 30, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि प्लस और माइनस होते हैं, माइनस और बटा में लगा देंगे 13 दूना 26। यहाँ पर है माइनस और माइनस और माइनस मिलकर हो जाता है प्लस, तो यहाँ प्लस लगा देंगे 4/26। इसको हल कर लेते हैं, लिखेंगे 26 -30 + 4। देखिए प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, 30 - 4 जब करेंगे तो आ जाएगा 26, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे और बटे 26। 26 को जो 26 से भाग देंगे आएगा 1, 1 आएगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा -1, ये आपका आंसर होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 3 का दूसरा, -7/9 - यहाँ पर रिक्त स्थान = 3। अब इसको हम छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। -7/9 के ले ले लेते हैं 5, यहाँ पर माइनस लगा लेते हैं, यहाँ पर रिक्त स्थान = 3। अभी देखिए प्रश्न सीधे ये कह रहा है कि 5 में से यहाँ पर क्या गया है, तो आ गया है 3। तो 5 माइनस यहाँ पर क्या माइनस हुआ है, तो आ गया है 3। तो आप सीधे 5 में से 3 घटा देंगे, आ जाएगा 2, तो मतलब 5 में से 2 गया है तो 3 आया है। इसी प्रकार हम -7/9 में से भी 3 घटा लेंगे तो आपका आंसर पता चल जाएगा। तो चलिए हल करते हैं, लिखेंगे -7/9, माइनस कर देंगे 3, तो हमारा पता चल जाएगा यहाँ का रिक्त स्थान। लिखेंगे -7/9 - 3/1, इसका लॉस ले लेंगे तो आएगा 9, यहाँ पर लिखेंगे 9 -7 - 9 में भाग करेंगे 1 का, आ जाएगा 9, और 9 को गुणा कर देंगे 3 से तो आ जाएगा 9 * 3 = 27। अब देखिए माइनस और यह माइनस है तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो 27 में 7 जोड़ देंगे, 27 में जब अब 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 34, तो यहाँ लिखेंगे 34/9, और यहाँ लगा लेंगे माइनस का चिन्ह क्योंकि इसका भी चिन्ह माइनस था और इसका भी चिन्ह माइनस था। तो आपका जो आंसर है -34/9। प्रश्न 3 का तीसरा है कि 2 - रिक्त स्थान = -3/4। ये भी हमारा प्रश्न है 2 की तरह है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 2 - -3/4 = यहाँ पर तो हमको रिक्त स्थान पता चल जाएगा। लिखेंगे 2/1 - -3/4, 1 और 4 का जब लॉस ले लेंगे तो आएगा 4, 1 को 4 से भाग देंगे आएगा 4, 4 को 2 से गुणा कर लेंगे आएगा 8, 8 - -3, यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 8 + 3 हो जाएगा 11/4। यहाँ पर हम चिन्ह लगाएंगे प्लस का क्योंकि 8 बड़ा है 3 से और इसका चिन्ह है प्लस, तो आपका जो आंसर आएगा वो है 11/4। चलिए प्रश्न 4 देखते हैं 3 का। प्रश्न 3 है रिक्त स्थानों की पूर्ति। प्रश्न 3 का चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर रिक्त स्थान है -2/3 = 5/-6। इसको हल करते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान है, फिर यहाँ पर माइनस है। इसको छोटे से एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे यहाँ पर रिक्त स्थान है माइनस है, यहाँ पर 5 है इक्वल दिया हो 8, तो आप क्या करेंगे 5 और 8 को जोड़ देंगे आ जाएगा 13, तो 13 - 5 = 8। सिंपल, हमें यहाँ पर भी यही करना है, इसको और इसको जोड़ देना है। तो चलिए जोड़ते हैं, -2/3 + 5/-6। इस माइनस को ऊपर भेजेंगे क्योंकि हर हमेशा धनात्मक रहता है, तो यहाँ पर -5 हो जाएगा। अब देखिए प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस, तो -2/3 - 5/6। अब इन दोनों का हर का लॉस लेंगे, लॉस आएगा छः। यहाँ पर इसका हर पहले से 6 बना है, तो इसको ऐसे लिख देंगे कि -5, और इस 3 को गुणा करेंगे 2 से, तो इसका हर बन जाएगा 6, और ऊपर से भी 2 से गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि माइनस है और यहाँ पर माइनस था, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 + 5 = 9, 9 हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे 6 है, और यहाँ पर इसका भी चिन्ह माइनस था, इसका भी चिन्ह माइनस था, तो हो जाएगा ये माइनस। अब इसको थोड़ा सरलतम रूप में कर लेते हैं, 3 * 3 = 9, 3 * 2 = 6, यहाँ पर माइनस है तो माइनस आएगा और आपका आंसर हो जाएगा -3/2, ये होगा आपका आंसर। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में देखेंगे अभ्यास 1C का पार्ट 2, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको समझने में दिक्कत होगा, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में बनाया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाली और वीडियो के लिए धन्यवाद।